निकाला, उन्होंने तीनों फेज जरूर फील की होगी, महसूस की होगी। और जो विद्यार्थी अभी किसी कारण से सिलेक्शन के राह में जाकर के रुक रहे हैं, वो चिंता नहीं करें, जो आज तुम्हारे दोस्त के चेहरे पे खुशी आई उससे बात कीजिएगा, उसके दिल से एक ही शब्द निकलेगा कि भाई मेहनत तो बहुत की, मेहनत तो बहुत की, डर बहुत लगा था लेकिन हो गया। और अब होने के बाद वही बंदा कल नॉर्सेट का रिजल्ट आने से पहले का मैं समय बोलूं, ऑल स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को 4 बजे का पूछो, 3 बजे का पूछो, वो बोलेगा इतना डर था कि सर होगा या नहीं होगा। 4 बजे की 3 बजे की जर्नी उससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि सर पता नहीं, इतना डर था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन 5 बजे इतना कॉन्फिडेंस आया कि नॉर्सेट बहुत ईजी है। ये सारा क्या हो सकता है सर, ये क्या खेल है? मतलब सेम पर्सन है, सेम व्यक्ति है, सेम नॉलेज है, सेम टैलेंट है, आप उसी व्यक्ति को 3 बजे पूछ रहे हो तो वो बोल रहा है कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा नॉर्सेट का पेपर, कोई तो क्या मेरिट बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। वही बंदा 5 बजे 2 घंटे के बाद बोल रहा है नॉर्सेट बहुत ईजी है। इसका मतलब एक्चुअल में नॉर्सेट ईजी है, नॉर्सेट ने हमें उस टाइम में थोड़ा प्रेशर में रख लिया, इसलिए प्रेशर फील कर लिया और सिलेक्शन निकलने के बाद चीजें आसान हो जाती है, तो यह आसान होगा। लेकिन कब होगा? जब तुम कदम से मिला करके चलोगे। आप सब लोगों का जिनका किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो एक चीज को याद रखिएगा, खुद से 3-4 चीजों में वादा कर लीजिएगा कि सर मैं रोज क्लास देखूंगा, चाहे भगवान भी आकर के मुझे बोल दे बेटा आज काम है तो भी क्लास देखूंगा, मैं रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस